वसीम भाई पहले ये तो बताएं, फिरदौस जमाल साहब सीनियर हैं या आप? नहीं, फिरदौस साहब मुझसे सीनियर हैं जी थोड़े। मेरा ख्याल है कि कोई दो एक बरस होंगे सीनियर। अच्छा, सीनियर हैं। जी 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 जी, ये तो आप कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि कई कामों में आप सीनियर हैं। और मैं आपको इसका जवाब ये दे दूं कि अगर आप किसी और काम की बात कर रहे हैं तो फिरदौस साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर हैं। इसमें वो लाला सुधीर से भी सीनियर है। Awesome. इसमें वो आप समझ लें, जब से दुनिया मार्ज़े वजूद में आई है वो सबसे सीनियर है, और उनकी इस सीनियरिटी का रिकॉर्ड कोई माँ का बच्चा नहीं तोड़ सकता। नहीं नहीं, मैं तो सुने थी लाले सुधीर तो कोई कंबल भी होता सी और ऐसा ना कंबल लेके बैठ जाती सी। फिरदौस जमाल साहब ने ना कहना कि क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा सवाल पूछने की। नो डाउट जी, फिरदौस साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो किसी चीज पे कमेंट करते हैं, किसी चीज पे ओपिनियन देते हैं, वो कॉन्ट्रोवर्सी क्यों बन जाती है? देखिये जी, उनके जहां तक उनके फन का ताल्लुक है तो हम तो उनके बड़े मद्दा हैं। वो अपने फन में यकता हैं और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, मगर उनकी एक छोटी सी खामी है जो मैं कहना चाहूंगा जी, कि आप दुनिया में कितने ही बड़े अदाकार क्यों ना हो, आप में दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वाह वाह, वा। फिरदौस साहब के नजदीक, फिरदौस साहब के अलावा शायद और कोई एक्टर जो है वो आया नहीं, या उनके पाए का नहीं, उनके कैलिबर का नहीं। इससे मुराद मेरी अपना आप नहीं है जी, ये नहीं है। लेकिन देखिए, इस कायनात में जब से ये शुरू हुआ है ये एक्टिंग वाला सिलसिला, बहुत बड़े बड़े अदाकार दुनिया में आए हैं, और जहाँ तक आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो वो फरमान है जी इसके बारे में कि जरा पहले तोलिए और फिर बोलिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बाज़ोकात जिसे कहते हैं ना कैरिड अवे हो जाते हैं, वो जो कुछ उनके दिल में आता है, मुंह में आता है, वो कह देते हैं, और बास बातें ऐसी होती हैं जिन पर एतराज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो फिर जाहिर है कॉन्ट्रोवर्सी ही बननी है। जैसे माहिरा खान के बारे में उन्होंने एक बात कह दी, हुमायूं के बारे में बात कह दी। वसीम साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनको हुमायूं सईद को एक्टिंग भी नहीं आती, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। क्या आप इस चीज के साथ एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि हुमायूं इज अ वंडरफुल एक्टर, और हुमायूं की जो प्रेजेंस है, हुमायूं का जो पर्सोना है, वो पाकिस्तान की कम से कम स्क्रीन के ऊपर बहुत कम एक्ट्रेस को नसीब होता है। वाह। और अदाकारी एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को, ये तो इतने सक्सेसफुल आदमी को आप नहीं कह सकते कि इसको एक्टिंग नहीं आती है। ये वो काम नहीं है, वो पंजाबी में हम कहते हैं फलां का टुल लग गया है। ओ भाई, एक बार लगेगा, बार बार थोड़ा ही लगेगा। इतना सस्टेन जो कर रहा होता है ना जी फील्ड में, वो मतलब इसी तरह की बात उन्होंने माहिरा खान के बारे में भी कही थी कि शी कैन बी अ गुड मॉडल, शी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ये गलत बात है जी, ऐसा नहीं होता। माहिरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हुमायूं ने भी अपने अपने बहुत सारे सीरियल्स में, और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, ये तुक्के के साथ नहीं हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वक्त के एक्टर को तस्लीम करना चाहिए।